25 दिसंबर को दुनिया भर में क्रिसमस का त्योहार मनाया जाता है। क्रिसमस का त्योहार ईसाई धर्म का प्रमुख त्योहार है। अब से कुछ दशकों पहले ये त्योहार सिर्फ विदेशों में ही मनाया जाता था, लेकिन अब भारत में भी ये त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। खास तौर पर बच्चे इस त्योहार पर बहुत इंजॉय करते हैं, क्योंकि बच्चों का मानना है कि क्रिसमस की रात सेंटा आएंगे और उनकी सारे विशेस पूरी करेंगे। क्रिसमस को बड़ा दिन भी कहा जाता है। इस दिन लोग घूमते फिरते हैं, चर्च में प्रेयर करते हैं, एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं, इसके साथ ही एक दूसरे को गिफ्ट्स भी देते हैं, साथ ही साथ पार्टी भी करते हैं। धार्मिक मान्यताओं की माने तो इस दिन प्रभु ईसा मसीह का जन्म हुआ था। यीशु ने पूरी दुनिया को प्रेम और दया का संदेश दिया था। तो आइए जानते हैं सेंटा और क्रिसमस से जुड़ी हुई खास बातें। ऐसा माना जाता है कि ईसाई धर्म की स्थापना करने वाले यीशु का जन्म क्रिसमस के दिन ही हुआ था, इसलिए पूरी दुनिया में इस दिन को क्रिसमस डे कहकर सेलिब्रेट किया जाता है। यीशु ने मरियम के यहाँ जन्म लिया था। बताया जाता है कि मरियम को एक सपना आया था जिसमें एक भविष्यवाणी हुई थी। उन्हें प्रभु के पुत्र यीशु को जन्म देना था। थोड़े समय बाद भविष्यवाणी के मुताबिक मरियम प्रेग्नेंट हो गई। प्रेगनेंसी के दौरान मरियम को बेथलहम जाना पड़ा। रात होने की वजह से उन्होंने वहीं रुकने का सोचा, लेकिन उन्हें वहां रुकने के लिए कोई ठीक जगह नहीं दिखी। थोड़ी समय बाद उन्हें जगह दिखी जहां पशु पालन करने वाले लोग रहा करते थे। मरियम ने भी वहीं रुकने का फैसला किया और अगले दिन यहीं पर यीशु को जन्म दिया। लोगों का मानना है कि ईसा मसीह का जन्म लोगों की भलाई के लिए हुआ था। उनका ये भी मानना है कि ईसा मसीह का जन्म किसी चमत्कार से कम नहीं था। उनके जन्मोत्सव को लोग आज भी धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। घरों में सुंदर झांकियां सजाई जाती हैं कि बाइबल में जीसस की कोई बर्थ डेट नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी 25 दिसंबर को ही हर साल क्रिसमस मनाया जाता है। इस तारीख को लेकर कई बार विवाद भी हुआ है, लेकिन 336 ईसवी पूर्व में रोमन के पहले ईसाई रोमन सम्राट के समय में सबसे पहले क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाया गया। इसके कुछ सालों बाद पोप जूलियस ने आधिकारिक तौर पर जीसस के जन्म को 25 दिसंबर को ही मनाने का ऐलान किया। इसके बाद धीरे धीरे इस त्योहार को पूरी दुनिया में मनाया जाने लगा और आज कई धर्मों के लोग इस त्योहार को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इस पर्व को मनाने में क्रिसमस ट्री का बहुत बड़ा रोल है। हालांकि इस पेड़ का इस्तेमाल पहली बार कब किया गया इस बारे में अब तक कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि पहली बार 1000 साल पहले उत्तरी यूरोप में इसकी शुरुआत हुई थी। यूरोप के लोग सर्दियों में सदाबहार पेड़ों को काटकर अपने घरों में सजाते थे। इसी प्रचलन को जारी रखते हुए लोग आज भी इस पेड़ को अपने घरों में सजाते हैं। कैंडी, चॉकलेट्स, खिलौने, लाइट्स, बेल्स और गिफ्ट से लोग क्रिसमस ट्री को सजाते हैं। ऐसा माना जाता है कि यीशु के माता पिता को शुभकामनाएं देने के लिए देवदूतों ने फर के पेड़ को सितारों से सजाया था। क्रिसमस ट्री को खुशियों का प्रतीक माना जाता है। ईसा मसीह ने लोगों को एकजुट होकर रहने की सीख दी। साथ ही उन्हें हमेशा भगवान के करीब रहने का रास्ता भी दिखाया। उन्होंने हमेशा लोगों को माफ करने और माफी मांगने का संदेश दिया। इसके अलावा उन्होंने अपने हत्यारों को भी माफ कर दिया। उनका कहना था कि आपस में भाईचारा ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। लोगों को हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये तो हो गई प्रभु ईसा मसीह की बात। अब हम आपको बताएंगे सीक्रेट सांता और उनके सीक्रेट मोजे की कहानी। जानकारों के मुताबिक 4वीं शताब्दी में एशिया माइनर की एक जगह मायरा की जो कि अब तुर्की में है, जहां सेंट निकोलस नाम का एक शख्स रहता था। सेंट निकोलस बहुत अमीर था। उनके माता पिता की मौत हो चुकी थी। वो हमेशा गरीबों की चुपके से मदद करता था, उन्हें सीक्रेट गिफ्ट देकर खुश करने की कोशिश करता रहता था। एक दिन निकोलस को पता चला कि एक गरीब आदमी की 3 बेटियां हैं, जिनकी शादियों के लिए उसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। ये बात जान निकोलस उस शख्स की मदद करने पहुंचे। एक रात वो उस आदमी के घर की छत में लगी चिमनी के पास पहुंचे और वहां सोने से भरा बैग डाल दिया। उस दौरान इस गरीब शख्स ने अपना मोजा सुखाने के लिए चिमनी में लगा रखा था, जिसके बाद उस गरीब की खुशी का ठिकाना ना था। धीरे धीरे निकोलस की ये कहानी पॉपुलर हुई, क्योंकि क्रिसमस के दिन बच्चों को तोहफे देने की प्रथा रही है। इसलिए सबसे पहले यूके, खासकर इंग्लैंड में निकोलस की कहानी को आधार बनाया और उन्हें फादर क्रिसमस और ओल्ड मैन क्रिसमस का नाम दिया गया। इसके बाद पूरी दुनिया में क्रिसमस के दिन मोजे में गिफ्ट देने यानी सीक्रेट सेंटा बनने का रिवाज आगे बढ़ता चला गया।
विदेशों में क्रिसमस से पहले ही लोगों और बच्चों के स्कूल कॉलेज ऑफिस में छुट्टियां कर दी जाती हैं। पूरा बाजार और हर सड़कें क्रिसमस ट्री और लाइटों से जगमगा उठती हैं। 24 दिसंबर को लोग ईस्टर ईव मनाते हैं और 25 दिसंबर को घरों में पार्टी करते हैं और ये सेलिब्रेशन 12 दिनों तक चलता है, यानी 25 दिसंबर से शुरू होकर क्रिसमस 5 जनवरी तक चलता है। खासकर यूरोप में 12 दिनों तक मनाए जाने वाले इस फेस्टिवल को 12th नाइट के नाम से जाना जाता है।